तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवने, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं कोई एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन
के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है।
जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरद कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्र द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जांच करने के लिए
चिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त डीएसपी प्रशिक्षु प्रकाश को एडीजीपी महेंद्रन द्वारा एसीपी लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जांच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरद कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27
28 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऐप पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऐप पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त डीएसपी प्रशिक्षु प्रकाश को एडीजीपी महेंद्रन द्वारा एसीपी लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जांच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों।
तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवने, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए चिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनला को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवने, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए चिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमोटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उसे पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनला को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन
के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है।
जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य की उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए
चिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको
सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त डीएसपी प्रशिक्षु प्रकाश को एडीजीपी महेंद्रन द्वारा एसीपी लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक
बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नए तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऐप पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की
रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवने, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं कोई एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऐप पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं कोई एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऐप पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्र द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
होता है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरद कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्र द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जांच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन
के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्र द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि
पीड़िता को बेहोश करने के लिए उसे पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगननाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP
महेंद्रन द्वारा एसीपी लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नए तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जांच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लिसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27
मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त डीएसपी प्रशिक्षु प्रकाश को एडीजीपी महेंद्रन द्वारा एसीपी लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जांच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों
विघ्नेश राजा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवने, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए चिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनला को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिए
दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर्टोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवने, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए चिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उसे पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनला को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऐप पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों
तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवने, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर
अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवने, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर, घुटनों के बल बैठा कर, उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ
साथ को हत्याओं कोई एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नवनियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक की जांच करने के लिए तिरुच
चिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऊपर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी पोर तोजिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर तोजिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 जून 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी पोर तोजिल, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विघ्नेश राजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर शरत कुमार, अशोक सेलवन, शरत बाबू, लीसा चिन्नू, निखिला विमल, सुनील सुखदा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको सोनी लिव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर जाकर।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा सोनी लिव के ऐप पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 2010 में नव नियुक्त DSP प्रशिक्षु प्रकाश को ADGP महेंद्रन द्वारा SCP लोगनाथन के साथ काम करने का काम सौंपा गया था। लोगनाथन अनिच्छा से नई तकनीकी सहायक वीणा के साथ उसे सलाह देने के लिए सहमत हो जाता है। चेन्नई से तीनों गेरे जंगल में एक युवा लड़की की भयानक हत्या की जाँच करने के लिए तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर के निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता को सामने से लोहे के तार से गला घोटकर घुटनों के बल बैठा कर उसके बालों को पीछे खींच कर हाथ से बांध दिया था। उसकी गर्दन पर हेमाटोमों से पता चलता है कि पीड़िता को बेहोश करने के लिए उस पर विशिष्ट दवाई बिंदुओं पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अपहरण कर लिया गया था। मामले की खासियत लोगनाथ को हत्याओं को एक श्रृंखला की आशंका पर मजबूर करती है। जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, कुछ और युवतियों को भी इसी तरह से मार दिया गया और उनकी लाशों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। पीड़ितों में से किसी को भी कोई संबंध या समानता नहीं थी, सिवाय उनकी उम्र शुरुआती 20 के मध्य और इस तथ्य कि उन्हें एक तरीके से मार दिया गया और छोड़ दिया गया। अपनी जाँच के दौरान लोगनाथन के हत्यारे की कार्यप्रणाली और यादृच्छिक महिलाओं की पसंद के अनुमान लगाया कि वह हीन भावना वाला एक मनोरोगी होना चाहिए, जो अपने पीड़ितों को उनकी आंखों से देखती हुई विनम्र स्थिति में रखकर अपने कम आत्मसम्मान की भरपाई करता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी सोनी लिव के ऐप पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। आप इस मूवी को सोनी लिव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।